नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कुंभ नगरी हरिद्वार में पहले शाही स्नान का आगाज हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सभी 7 सन्यासी अखाड़ों ने शाही स्नान किया। सबसे पहले जून अखाड़े के संतों ने स्नान किया, इसके बाद आवाहन अखाड़े और फिर किन्नर अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया है। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शामिल हुआ है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई सोमवार की सुबह 5 बजे खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख तय की जाती है। उत्तराखंड के 3 अन्य धाम बद्रीनाथ के कपाट 18 मई और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया यानी 14 मई को खोले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीते दिन हुए कथित हमले पर मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्था चटर्जी ने चुनाव आयोग मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले टीएमसी ने ऐलान किया था कि वो आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। उधर पुलिस ने तृणमूल नेता शेख सोफिया की शिकायत पर हमले में केस दर्ज कर लिया गया है। केरल में सत्तारूढ़ यानी CPIM ने राज्य की 83 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें से 5 मंत्रियों के साथ 25 विधायक टू टर्म नॉर्म के चलते लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, उन्हें CPIM समर्थन करेगी। पार्टी के पूरे राज्यों में टू टर्म नॉर्म के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की परवाह किए बगैर कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। टू टर्म नॉर्म के तहत उन विधायकों के टिकट काटे गए हैं जो लगातार 2 बार से विधायक हैं। स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत मामले में जांच करने वाली महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व API सचिन वाझे से 10 घंटे ज्यादा समय तक पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक देर रात वो अपना बयान दर्ज करवाने ATS ऑफिस गए थे और गुरुवार तड़के उन्हें जाने दिया गया। ATS ने इस मामले में हत्या और आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज कर लिया है। कोरोना वैक्सीन पर राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच राज्य ने वैक्सीनेशन में 25 लाख का महत्वपूर्ण आंकड़ा हासिल किया है। देश में ये उपलब्धि हासिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसने अब तक 23 लाख वैक्सीन डोज लगाए हैं। इसके बाद 21 लाख डोज के साथ गुजरात का नंबर है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार तड़के स्कॉर्पियो और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो सवार बिहार के गया से दिल्ली जा रहे थे। दुर्घटना के कारण ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। हादसा आगरा के इतमादोला क्षेत्र में हुआ है। मरने वाले 7 लोग बिहार तो 2 झारखंड से है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को NS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जहीर आमिन राठर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वामी चिद्भवानंद की भगवत गीता का ई बुक वर्जन लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़ना चाहिए, जो आज की जिंदगी में आपको मुश्किलों से जूझने की सीख देगी। इससे उन्हें सवाल करने की प्रेरणा मिलेगी, सही गलत में अंतर समझने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनाया गया है। बुधवार को उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें ये मानद उपाधि दी गई है। साल 2016 में उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट बनाया गया था और अब प्रमोशन पाकर वो पहले ऐसे सेवारत सांसद और मंत्री बन गए हैं जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कैप्टन की उपाधि हासिल की है। अनुराग ठाकुर ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो और पोस्ट करके जानकारी दी है और खुशी जताई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।